हेलो एवरीवन वेलकम बैक तो यहाँ हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कवर करने वाले हैं फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनमिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं थर्ड लॉ भी देख लेते हैं छोटा सा लॉ है तो ये लॉ क्या कहता है जब एब्सल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर होता है एब्सल्यूट जीरो समझना है पहले एप्सल्यूट एप्सल्यूट ज़ीरो का मतलब होता है ज़ीरो कैलविन जो कि क्या है थ्योरेटिकली जितना थ्योरेटिकली पॉसिबल जितना लोअर टेम्परेचर हो सकता है वो होता है ज़ीरो कैलविन ज़ीरो कैलविन को आप डिग्री सेल्सियस में करोगे तो माइनस टू सेवनटी थ्री डिग्री सेल्सियस आ जाता है ठीक है तो एप्सल्यूट ज़ीरो का मतलब है जीरो कैलविन टेम्परेचर या फिर सेल्सियस में आ जाता है माइनस टू सेवेंटी थ्री मतलब थ्योरेटिकली जितना लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है वो है माइनस टू सेवनटी थ्री डिग्री सेल्सियस अब अगर टेम्परेचर इतना होता है इतने टेम्परेचर पर जो एक परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना जो कि परफेक्टली क्रिस्टलाइन है उसकी जो एंट्रोपी होगी वो कितनी होगी वो जीरो होगी ये कहता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या कहता है एट एप्सल्यूट ज़ीरो मतलब एट जीरो कैलविन टेम्परेचर एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड इज इक्वल टू ज़ीरो अब ऐसा क्यों कह रहे हैं इस चीज़ को हम सपोर्ट कैसे कर सकते हैं जैसे ये सॉलिड है सॉलिड में हमें वैसे भी पता है जो यहाँ पर पार्टिकल्स होते हैं वो ऑर्डर में होते हैं लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इनमें क्या होता है मोशन होता है ठीक है थोड़ा बहुत ये वाइब्रेट करते रहते हैं अपनी जगह पे तो थोड़ी बहुत हल्की से हम कह सकते हैं थोड़ा बहुत रैंडमनेस होता है लेकिन कम है ठीक है लेकिन अगर इस सॉलिड को पहली बात हमने लिया कि प्योर क्रिस्टलाइन क्रिस्टलाइन फॉर्म में इस सॉलिड को लिया और दूसरी बात है कि टेम्परेचर हमने एप्सल्यूट जीरो रखा है एप्सल्यूट ज़ीरो का मतलब है कि ज़ीरो कैलविन टेम्परेचर रखा है या फिर कह सकते हैं माइनस टू सेवेंटी थ्री डिग्री सेल्सियस ठीक है Celsius, तो ये दोनों कंडीशन अगर हम लगा देते हैं तो क्या हो रहा है टेम्परेचर आप डिक्रीज़ कर रहे हो अभी हमें पता है कि जैसे हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं तो एंट्रोपी भी डिक्रीज़ हो जाती है क्योंकि जैसे ही आप टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हो जो पार्टिकल्स है उनके एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी तो वो इतना उनमें मोशन नहीं होगा तो वहां पर क्या आ जाता है ऑर्डर आता है बहुत ज़्यादा ऑर्डर वहां पर आ जाता है डिसऑर्डर नहीं होता नो डिसऑर्डर डिसऑर्डर अगर कम होगा तो एंट्रोपी भी कम होगी और इतनी कम हो जाती है कि एंट्रोपी बिकम्स ज़ीरो तो यही कहता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जब हम एप्सल्यूट ज़ीरो पे मतलब ज़ीरो कैलविन टेम्परेचर पे अगर हम परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड को देखें तो उसकी एंट्रोपी ज़ीरो होगी क्योंकि वहां पर जो रेंडमनेस है जो डिसऑर्डर है वो बिल्कुल ही कम हो जाएगा ठीक है बिल्कुल ही काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी पार्टिकल्स की बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाएगी और वो बिल्कुल स्टेबल हो जाएगी और साथ ही में ऑर्डर में आ जाएगी तो इसी का ही दूसरा स्टेटमेंट जो हम यूज करते हैं वो क्या है एट एब्सल्यूट जीरो अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड हैज अ परफेक्ट ऑर्डर ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दिस लीड्स टू जीरो एंट्रोपी ठीक है तो वही चीज है वही चीज है जो पहले आपको मैंने बताई है कि एप्सल्यूट जीरो पे एक परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड की परफेक्ट ऑर्डर होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अगर यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑर्डर में है मतलब जो डिसऑर्डर है वो कम है इसका मतलब जो एंट्रोपी है वो भी ज़ीरो हो जाएगी तो ये छोटा सा लॉ था थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इसे कर लेना